जोशीमठ नगर पालिका के अंतर्गत सभी भवनों का टेक्निकल टीमों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य जारी है, जहां पर 760 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं जिनमें दरारें हैं। इसमें से 128 भवन असुरक्षित पाए गए हैं। वहीं इन भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बता दें कि आपदा प्रभावित की प्रशासन के द्वारा लगातार हर संभव मदद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें साफ तौर पर प्रभावितों के माथे पर देखी जा सकती हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही हैं। अभी तो आश्वासन कुछ नहीं मिला, हमें शिफ्ट कर दिया यहाँ से, घर खाली करने के लिए बोला और हम लोग काली कमरी में अभी रह रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सरकार ने ये नहीं बोला हम विस्थापन देंगे या आपको पैसा देंगे, अभी इस मामले में कुछ नहीं बोला है। तो अब देखो, उम्मीद है तो बहुत है सरकार से, जैसे सबकी परवाह आप लोग कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसी तरीके से थोड़ा हमारा रोजगार का, जो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है उसका, इस बारे में हम बोलना चाहेंगे।